यूपी में चुनावी घमासान अपने चरम पर है। नेताओं की बयानबाजी भी खूब हो रही है। इसी कड़ी में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से ठीक पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसा बयान दिया जिसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम के दौरान योगी ने कहा कि ये चुनाव 80% बनाम 20% का होगा। हालांकि उन्होंने इसका मतलब भी समझाया, लेकिन उनके इस बयान को लेकर अब सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या यूपी में चुनाव में ध्रुवीकरण करने की फिराक में है बीजेपी। दरअसल योगी ने कहा था कि मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि चुनाव 80-20 का होगा। उनके हिसाब से 80% समर्थन एक तरफ होगा और बाकी का 20% दूसरी तरफ। मुझे लगता है कि 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे तो 20% हमेशा विरोध करेंगे और विरोध किया है, लेकिन सत्ता बीजेपी की आएगी। बीजेपी फिर से सबका साथ सबके विकास के अभियान को आगे बढ़ाने का काम करेगी। अब योगी भले ही बीजेपी बनाम बाकी पार्टियों का जामा पहना रहे हों, लेकिन उनके इस बयान को सीधे सीधे प्रदेश की हिंदू मुस्लिम आबादी से जोड़कर देखा जा रहा है। साथ ही कहा जा रहा है कि बीजेपी एक बार फिर से ध्रुवीकरण करने की फिराक में है। जानकारों की माने तो यूपी में 140 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर 20-45% तक है। 70 सीटों पर 20-30%, जबकि 73 सीटों पर 30% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। वहीं 36 सीटों पर तो मुसलमान अपने दम पर किसी को हराने या जिताने का मादा रखते हैं। 2017 के चुनाव में बीजेपी और उसके साथी दलों ने 111 सीटें जीती थीं। इस बार पहले और दूसरे चरण में पश्चिमी यूपी की जिन 113 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, वहां किसान, मुसलमान और दलितों का दबदबा है। इसी वोट बैंक के दम पर इस बार अखिलेश यादव बीजेपी को मात देने की फिराक में हैं। इस इलाके के किसानों का सबसे ज्यादा प्रभाव मुजफ्फरनगर में है, जहां 2013 के दंगे के बाद बीजेपी ने पैठ बना ली थी, लेकिन इस बार किसान आंदोलन ने पार्टी के मन में डर बिठा दिया है। बीजेपी को लगता है कि किसान और जाट फिर से मुसलमानों के साथ आ जाएंगे तो फिर 2017 वाला प्रदर्शन दोहराना मुश्किल हो जाएगा। शायद यही वजह है कि योगी इशारों में संदेश दे चुके हैं और सफाई देकर डैमेज कंट्रोल भी कर लिया है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।